हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही लैंडमार्क और इम्पॉर्टेंट केसेस जो बेसिकली आपके आर्टिकल 19(1)A से रिलेट करते हैं। और इन सारे ही केसेस में आर्टिकल 19(1)A को थोड़ा सा एलोब्रेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि भी जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो इम्प्लिसिट है आपके आर्टिकल 19(1)A में। तो ये सब क्या था, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा या फिर आपका किस तरीके का राइट है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा क्रक्स बता देती हूँ कि भी ये जो हमारे यहाँ जो लैंडमार्क केसेस मैंने लिखे हैं, देखिए 5 लैंडमार्क केसेस मैंने यहाँ लिखे हैं, तो इनका मुद्दा क्या रहा था, क्या इशू रहा था जिस वजह से इन केसेस को होना पड़ा। देखिए जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट्स उठते हैं आप उनके लिए वोट डालते हैं, जो भी आपको पसंद होता है आप उसके लिए वोट डालते हैं। लेकिन क्या आपको अपने कैंडिडेट्स के बारे में सारी जानकारी है? फॉर एग्ज़ाम्पल उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटीज़ है या नहीं है, या फिर उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या रहा है, जो उसकी बेसिक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या आपको वो सारी पता है? तो ये आपका ये सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने का जो राइट है, ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन में फॉल करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये हमारे कुछ लैंडमार्क केसेस रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार गाइडलाइन इशू करी है, इलेक्शन कमीशन को बोला है कि भी इस तरह की वो जानकारी लें उन कैंडिडेट से, ताकि जो लोगों का राइट टू वोट है उसे पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सके, उनके साथ कोई धोखा ना हो सके अपने कैंडिडेट्स की वजह से। ये किस लिए हुआ, इसका होने का कारण ये था, आपने देखा ही होगा जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पर बहुत इजीली क्रिमिनल्स को जो है टिकट मिल जाती है और वो समहाउ जीत भी जाते हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने लगा था, जिन्हें आप बाहुबली भी कह देते हैं बहुत बार, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। सो क्रिमिनल्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने लगा था, इस वजह से ये सारे केसेस जो हुए थे जिसमें कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड किया गया था कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इनके बारे में जो बेसिक जानकारी है, जो एक वोटर को पता होनी चाहिए, वो आपको पब्लिक करनी पड़ेगी। ये कैंडिडेट्स को भी बोला गया था, ये उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बोला गया था और इलेक्शन कमीशन को बोला गया था कि भाई आप इन लोगों से इस तरह की जानकारी लें और उसे पब्लिक करें। तो ये मोटी मोटी बातें जो इम्पोर्टेंट क्रक्स था वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इस वीडियो में हम ये अपने 2 इम्पोर्टेंट केस डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक बार 5 के नाम बता देती हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आता ना, हो सकता है आपसे सीक्वेंस भी पूछ ले कि भी कौन से केस में क्या कहा गया था और कौन से ईयर में कौन सा केस आया था। तो सबसे पहला देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का एक केस है। ये बेसिकली बैकग्राउंड है, आप इसको हिस्ट्री ही समझ लीजिए, क्योंकि हर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ अलग बात बताई है, थोड़ा सा और एक्सटेंड करके आपके राइट को एक्सप्लेन किया है। सेकेंड देखिए, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का एक केस था। लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का एक केस रहा। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अगेन 2013 का एक केस रहा। एंड द फिफ्थ वन इज़ पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का एक केस था। ये तो काफ़ी रिसेंट केस है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ये 2 केस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये बाकी के हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब एक्चुअली क्या होता है, जब सारे ही केस डिस्कस कर लिए जाते हैं ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो वीडियो देखते ज़रूर है बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये गलत बात है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, उसको शेयर भी करिए। चलिए सबसे पहला केस देख लेते हैं, वो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का एक केस था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, देखिए, राइट टू नो अबाउट कैंडिडेट्स, जो आपका राइट है अपने कैंडिडेट्स के बारे में जानने का, जो उसके इन्फॉर्मेशंस है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपका राइट है आप वो जानो, वो फॉल करता है विद इन द राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है ये सारे इन्फॉर्मेशन लेना आपका। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में फॉल करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आपके आर्टिकल 19(1)A में दिया गया है। तो हम इसे इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि भी जो आपका राइट है कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी हासिल करने का, वो राइट आपका फॉल करता है आर्टिकल 19(1)A के अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस में। नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू इलेक्शन कमीशन बाय यूजिंग द पावर अंडर आर्टिकल 324। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया था, कहा था कि भाई तुम अपनी जो पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दी गई है अंडर आर्टिकल 324,
उस पावर का इस्तेमाल करते हुए जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में कम्पीट कर रहे हैं उनके बारे में ये सारी जानकारी हासिल करो और उसे पब्लिक करो ताकि जो वोटर्स हैं उन तक वो उनकी सारी जानकारी पहुँच सके। अब वो जानकारी किस किस तरीके की है ये भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ मैंने नीचे लिखा है, बहुत छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, सो क्रिमिनल्स बैकग्राउंड की भी, उसका कैंडिडेट का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं रहा है पहले, कहीं वो किसी क्राइम में किसी कहीं उसे पनिशमेंट तो नहीं मिल चुके हैं, किसी क्राइम में वो इन्वॉल्व तो नहीं है, तो ये सारा क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो उसे पब्लिक करना है। नेक्स्ट देखिए एसेट्स लाइबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट, उसकी एसेट्स उसकी धन संपत्ति जो है वो कितनी है, कहीं वो ब्लैक मनी तो उसके पास नहीं है, तो ब्लैक और वाइट सारी मनी जो है उसे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि भी उसके पास कितना पैसा कितना धन वगैरह सब कुछ है, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ तो नहीं है, उसके फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है, मतलब कितने लोग हैं उनकी फैमिली में, किस तरह की उनकी फैमिली है, कैसा उनका बैकग्राउंड है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, मतलब वो कितने क्वालिफाइड हैं, तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ये, क्योंकि सारी ही सोशल इन्फॉर्मेशन है, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है सच, तो ये सारी उन्हें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी पब्लिक में। इस केस का जजमेंट आने के बाद क्या इफ़ेक्ट रहा, इसका इफ़ेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या फिर कैंडिडेट के लिए इतना आसान नहीं होता है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन पब्लिक करे जिसका इफ़ेक्ट जो है उसके इलेक्शन पे या उसकी वोटिंग पर हो और वो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट हो। तो इस केस के जजमेंट के बाद जो है पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया हमारे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर, और इसके अंदर 2002 में ये अमेंडमेंट हुआ था, इसमें दो सेक्शन ऐड कर दिए गए थे, सेक्शन 33A एंड 33B। इसके बाद जो मैं आपके साथ केस डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर यही दो सेक्शन जो है वो चैलेंज किए गए थे। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा केस था, अब इस केस को देख लेते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए भी और आपके कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए भी। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का ये केस था। सो आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही नाम लिखा है, इसको शॉर्टकट में PUCL भी बोलते हैं, तो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कुछ भी लिखा आ सकता है, आप याद रखिएगा। इसमें पिटिशनर थे PUCL एंड अदर्स और रिस्पोंडेंट रहे यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का डिसीज़न आया था 13 मार्च 2003 को। इस केस के फैक्ट्स क्या रहे, देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया था कि भी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो है दो सेक्शन ऐड किए गए थे 33A एंड 33B। तो इस केस के अंदर जो सेक्शन 33B था द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इसको चैलेंज किया गया था, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। दूसरा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भी वोटर्स हैव अ राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल कैंडिडेट्स। जो हमारे वोटर्स जो होते हैं, हम लोग जो आम जनता जो वोट डालते हैं, जो वोटर्स होते हैं उनका राइट है कि भी अपने पॉलिटिकल जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में कम्पीट करते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करें, और ये जो आपका राइट है ये फॉल करता है आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। अब इस केस के जजमेंट को देख लेते हैं। सो ये केस डिसाइड किया गया था हमारे ऑनरेबल जज PV रेड्डी जी के द्वारा। इस केस में कहा गया जजमेंट में कि आर्टिकल 19(1)(a) इंक्लूड राइट ऑफ वोटर्स टू हैव बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्टोरल कैंडिडेट्स। तो वोटर्स का ये एक फंडामेंटल राइट बनता है कि भी वो अपने कैंडिडेट्स के बारे में जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल करें, वो इम्प्लिसिट है हमारे आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। सो नेक्स्ट देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू ओरल और रिटर्न एक्सप्रेशन। तो जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आप जाहिर करते हैं आपकी जो सोच है आपकी जो भावनाएं हैं, जो एक्सप्रेशन का जो आपका ये फंडामेंटल राइट है ये सिर्फ ओरल या रिटर्न तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो इंक्लूड वोटिंग एज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। क्योंकि देखिए जब आप वोट डालते हैं तब भी तो आप अपनी चॉइस आपके अपने लाइक डिसलाइक को ही तो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भी आप किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं, तभी आप उसके फेवर में वोट डाल रहे हैं, जिसे आप नहीं पसंद कर रहे ऑफकोर्स आप उसको वोट नहीं डाल रहे हो। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर जो पीरियडिकल जो इलेक्शंस होते हैं, समय समय पर आपने देखा होगा इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शंस में भी आप अपना राइट यूज़ करते हैं, फंडामेंटल राइट जो राइट टू एक्सप्रेशन है उसका इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है सिर्फ ओरल या रिटर्न तक ही लिमिटेड नहीं है। नेक्स्ट देखिए देर इज़ अ नीड टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द वोटर्स राइट एंड
कैंडिडेट प्राइवेसी। अब देखिए, आप अपने राइट का इस्तेमाल करके उसका नेगेटिव यूज़ भी नहीं कर सकते हो कि भी आप जो कैंडिडेट है उसकी सारी ही प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी ग्रैब कर लो, ये सही नहीं है, ये गलत होगा। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है कि भी किसी कैंडिडेट की कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वोटर्स को पता होनी चाहिए, जो सोशल की जा सकती है, और कौन सी ऐसी उसकी प्राइवेट या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसे पब्लिक करना ज़रूरी नहीं है और उसका कोई इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा वोटर्स के इस राइट के ऊपर। तो एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशंस के बीच में। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 33B अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो फाइनली कोर्ट ने कंक्लूड किया कि भी जो सेक्शन 33B है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो आपके 19(1)(a) जो ये आर्टिकल है इसको वॉयलेट करता है। वोटर्स हैज़ अ राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स। तो बाय यूजिंग द आर्टिकल 19(1)(a) तो फंडामेंटल राइट बनता है ये वोटर्स का कि भी वो अपने कैंडिडेट के एंटीसीडेंट्स जो है, मतलब पूर्व इतिहास, जो पहले की जो उसकी एक्टिविटीज़ जो रही है वो सब वो जाने उनके बारे में। तो वो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन रही थी वो मैंने आपको पहले बताई दी थी, जैसे कि भी उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है, क्या कितना वो क्वालिफाइड है, उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा, उसका सोशल रिकॉर्ड कैसा है, या फिर उसके फैमिली के बारे में जो पब्लिकली पता होनी चाहिए। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ कहा गया था। सो आई होप कि भी आपको ये केस एकदम समझ आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है या फिर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर भी आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैंने अभी अपना देखा था कि भाई व्यूअर्स देखते हैं, वीडियो पसंद भी करते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।